साई प्रणाम। सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रोफेसर द्वारा शोषित छात्र के मामले ने पकड़ा तूल। धरने पर बैठे छात्र नेता कर रहे हैं प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग। कुलपति ने दिया जांच का आश्वासन। SC ST एक्ट को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का कर रहे हैं UPSC ST संगठन के सदस्य मांग। निकाली रैली। 69वें माध्यमिक विद्यालय जनपद क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ आगाज। 3 दिनों तक खिलाड़ी दिखाएंगे दम। भक्तों की मुराद पूरी कर चले गणेश। शिव के धाम विसर्जन यात्रा में उमड़े श्रद्धालु। बोले गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल दिया। सवर्ण उत्थान समिति ने उठाई आरक्षण के खिलाफ आवाज। कर रहे हैं जातिगत आरक्षण का विरोध। और छात्रावास में हुई मारपीट के विरोध में छात्रों ने सौंपा कुलपति को ज्ञापन। लगाई सुरक्षा की गुहार। विगत दिनों विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा छात्र के शोषण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई न किए जाने पर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के गेट पर बैठकर कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि कुछ दिन पहले एक शोध छात्र ने अपने ही आचार्य के ऊपर शोषण का गंभीर आरोप लगाते हुए सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उसे बचा लिया गया, लेकिन अब यह मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। विश्वविद्यालय की ओर से अब तक उस प्रोफेसर के ऊपर कोई कार्रवाई न किए जाने के विरोध में छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इसमें मुख्य रूप से छात्र नेता जो कि सपा समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं अनुप्रसाद ने अपने सहयोगियों के साथ बैठकर जमकर नारेबाजी की। छात्रों के इस धरने प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर कुलपति विजय कृष्ण सिंह को भी आना पड़ा, जो छात्र से बातचीत करके मामले को शांत कराने का प्रयास कर रहे थे। उधर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अनुप्रसाद ने कहा कि जल्द से जल्द इस मामले में प्रोफेसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो आंदोलन भयंकर रूप ले लेगा। जब टहलने जा रहे थे तो उनको 4 गुंडों ने घेर के उसी तरीके से धमकाया कि तुम गाली जाति सूचक गाली देते हुए कि तुम हमारे प्रोफेसर का शिकायत करोगे। और जब ये सारी सूचना फिर उन्होंने कुलपत महोदय को दी, मगर फिर भी कोई कार्रवाई ना होने पे हताश होके मजबूर होके मानसिक रूप से प्रताड़ित होके दीपक कुमार जी ने जहर खाया और आज भी वो BRD में एडमिट है। आज भी उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और ये सारी चीज़ें हम लोग लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि उन्होंने
विद्यार्थियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, तो ऐसी कोई कार्रवाई हम लोग को दिख नहीं रही। आज भी वो दो प्रोफेसर अपने डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं और ये बहुत ही निंदनीय कार्य है कि जो दोषी है वो विश्वविद्यालय में खुलेआम अपना कार्य पाठन कर रहे हैं और जो निर्दोष है, जो पीड़ित है, उसके परिवार और वो लोग अभी भी हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, उनका पूरा परिवार मानसिक दौर से गुजर रहा है, मगर ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अभी भी वो विश्वविद्यालय की चुप्पी है, साफ सीधे ये इशारा करती है कि वो दोषियों को बचाना चाहती है और जो पीड़ित है लगातार विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राओं पर प्रताड़ना हो रही है उसको नज़रअंदाज कर रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन। और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से, कुलपत महोदय से मांग करते हैं कि वो तत्काल प्रभाव से उन दोनों प्रोफेसर को बर्खास्त करे और उचित कार्यवाही करे जिससे कि आगे के भविष्य में किसी भी शोधार्थियों के साथ, किसी भी छात्र छात्राओं के साथ ऐसा कोई भी घिनौना काम करने से पहले कोई भी, चाहे वो किसी भी पद का प्रोफेसर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, 10 बार सोचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुलपति विजय कृष्ण सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि जल्द ही इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय कार्यालय में हो गया तो उससे संबंधित जो सूचना प्रशासनिक कार्रवाई करनी है वो प्रशासन अपना करेगा। बाकी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो उसकी समस्याएं हैं कि उसके शोध में कोई दिक्कत जा रही है, यद्यपि हमारे शिक्षकों का ये भी कहना है कि उसकी अभी 1 सितंबर को ही उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और 5-6 दिन में ही उसका उत्पीड़न अगर विश्वविद्यालय के किसी कार्य के लिए हुआ तो ये लॉजिकल या प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कोई 6 दिन या 8 दिनों में नहीं होगा। और चूँकि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शोध से संबंधित उसकी कोई समस्या अगर थी तो 10 दिन या 15 दिन में एकाएक नहीं जनरेट हो जाती कि उसका पूर्ण होने लगे, थीसिस न जमा करने दे या उसका रजिस्ट्रेशन न होने पाए। ऐसी इतनी कम अवधि में इस तरह की बात के लिए जो लड़कों का आरोप है उसके लिए एक जाँच समिति कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित कर दी गई है और उसको वो सभी बिंदुओं की जाँच करेगा और जाँच करने के बाद जो रिपोर्ट देगा तदनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। सर, उनकी जो सबसे बड़ी मांग है कि जो आरोपी प्रोफेसर हैं उनको जब तक जांच नहीं होती तब तक नहीं विश्वविद्यालय नहीं आने दिया जाए, ये तो कोई किसी को भी शिकायत कर देगा आरोपी, तो सभी विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों को बाहर कर दिया जाए इस तरह से। तो किसी भी शिक्षक को आपको बाहर करना हो, उसके ऊपर कोई भी आरोप लगा दे और उसके बाद विश्वविद्यालय को आप बाहर कर दीजिए, तो विश्वविद्यालय से उसको उसके पद से हटा दिया गया जो प्रशासनिक पद उसके पास था जिसकी वजह से उसके ऊपर आरोप लग रहा था। क्योंकि शिक्षक के रूप में तो आरोप है नहीं, आरोप तो ये है कि वो हेड के रूप में या डीन के रूप में उन्होंने कार्य को किया, तो जिस पद पे रहते हुए बच्चे प्रभावित हो रहे थे उस पद से उनको हटा दिया गया है। बाकी एक शिक्षक के रूप में तो दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे तो बाकी छात्रों का क्लास में नुकसान होगा। तो हम ऐसे तो अगर सभी शिक्षकों को निकाल लेंगे तो हमारी कक्षाएँ ही नहीं चल पाएंगी, क्योंकि सिर्फ हमारे पठन पाठन का कार्य हमारी प्रमुखता पर है। और हम आपके माध्यम से अपील करेंगे कि इसको ये जातिगत रूप देने की कोशिश की जाती है। विश्वविद्यालय वो केंद्र नहीं है जहाँ इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से यूज किया जाए। यहाँ सिर्फ पठन पाठन का माहौल होना चाहिए और सिर्फ शिक्षक और छात्र का जो पवित्र रिश्ता है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी छात्रों पे भी है, शिक्षकों पे भी है। और शिक्षक अगर इक्के दुक्के एकाध केस इस तरह से निकलते भी हैं, इतनी भारी संख्या में यहाँ शिक्षक हैं, तो उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि सब शिक्षक गड़बड़ हैं, सारे बेकार हैं और सभी के साथ कार्रवाई कोई कोई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का संयुक्त मोर्चा पूना पैक्ट की शर्तों को पूर्णता लागू करने, SC/ST एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने, दलितों के साथ बढ़ रहे अत्याचार उत्पीड़न को रोकने के संबंध में संगठन के सदस्यों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया है। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने रानी लक्ष्मीबाई पार्क से एक रैली निकाली जो शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए कचहरी स्थित अम्बेडकर चौक पर जाकर समाप्त हुई। अपने इस रैली और मांग के बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक हरिशरण गौतम ने कहा कि कुछ दिनों से दलितों के उत्पीड़न की खबरें आ रही हैं जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं, जिसका विरोध वह ज्ञापन के माध्यम से कर रहे हैं। अघोषित रूप से निर्देश दिए गए हैं कि SC/ST के मामले या तो दर्ज न किए जाएँ या दर्ज भी किए जाएँ तो SC/ST एक्ट लगाया जाए, जिसके कारण हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। जो पुलिस केस दर्ज करती भी है तो उसकी ठीक से पैरवी नहीं होती है, जिससे न्यायालयों से मुश्किल से 10% मामलों में ही न्याय मिल पाता है। 90% मामलों में
वो छूट जाते हैं। हमारी मांग है कि जो हस्तक्षेप सरकारों द्वारा या न्यायपालिका द्वारा किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। हमारी यही मांग है कि आरक्षण कानून जो है वह पूना पैक्ट से आया था। पूना पैक्ट जो है हमने नहीं मांगा था, पूना पैक्ट गांधी एंड कंपनी कांग्रेसियों ने जो है उसको विवश करके, गांधी ने आमरण अनशन करके उसको लागू करवाया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत मजबूरी में वो पैक्ट पर साइन करना पड़ा था। तो हमारा ये कहना है कि या तो पूना पैक्ट पूरी तरह से लागू हो, अगर लागू नहीं करते हो तो खुद है उसको समाप्त कर दो। हम भी खुश हैं जो हमको बाबा साहब लड़ करके वहाँ से कम्युनल अवार्ड प्राप्त किए थे गोलमेज कॉन्फ्रेंस से, वो हमको वापस कर दो। समण उत्थान समिति के सदस्यों ने जातिगत आरक्षण को खत्म करने और आरक्षण समीक्षा आयोग बनाकर फिर से आरक्षण तय किए जाने की मांग को लेकर नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए बल्कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की व्यवस्था को लागू कराना चाहिए। इस जातिगत आरक्षण से बहुत बड़े वर्ग का शोषण हो रहा है जो कि अपने आप में समाज की खाई को और भी ज्यादा चौड़ा करता जा रहा है। इस बारे में सिटी वन चैनल के संवाददाता से बात करते हुए सवर्ण उत्थान समिति के अध्यक्ष अवधेश कुमार मिश्रा ने कहा कि 1990 के आरक्षण विरोधी आंदोलन में मारे गए क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को मुआवजा भी मिलना चाहिए। माध्यम से बरेली में भाई राजकमल सिंह के माध्यम से, इलाहाबाद में संदीप द्विवेदी के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारी मांग है कि 1990 में मारे गए आरक्षण विरोधी साथियों, क्रांतिकारी साथियों को 20-20 लाख का मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। मैं केंद्र सरकार से सवर्ण समाज को तोड़ने के लिए जो राजनीति चली, पूरा देश सवर्ण है, मैं SC ST एक्ट की लागू करने की निंदा करता हूं। 3 दिनों तक आयोजित होने वाली 69वीं माध्यमिक विद्यालय जनपद क्रीड़ा प्रतियोगिता का आगाज सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में हो चुका है। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर पूर्वोत्तर रेलवे AK सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में ओलंपियन प्रेम माया, क्रीड़ा अधिकारी चंद्र विजय सिंह उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता का आगाज खेल वैजयंती को लहरा कर किया गया, जिसके बाद मशाल लेकर इस 69वीं माध्यमिक विद्यालय जनपद क्रीड़ा की औपचारिक शुरुआत हो गई। सबसे पहले पुरुष और महिला वर्ग में 800 मीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कई खेलों के माध्यम से खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे। इस मौके पर मारवाड़ा कॉलेज के प्रधानाचार्य आर्यन गुप्ता ने सिटी वन से बात करते हुए कहा कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को जीवन पर्यंत ऊर्जा और प्रेरणा दोनों देता रहता है। कि 9 तहसीलें जो अपने स्तर से प्रतियोगिताएं करा करके अपनी अपनी टीम चयनित करके यहाँ लाती हैं, वो प्रतिभाग करती हैं और यहाँ से जो भी प्रतिभागी जीतते हैं वो मंडल में प्रतिभाग करते हैं और मंडल से हमारे जनपद के जो भी बच्चे जीतेंगे वो प्रदेश प्रतियोगिताओं में भाग करते हैं। ये प्रतियोगिता 3 दिन चलेगी, 24, 25 और 26 सितंबर। 26 सितंबर को समापन समारोह है और उसमें सभी छात्रों को, विजेता छात्रों को हम लोग ट्रैक सूट, मेडल और प्रमाण पत्र दे करके सम्मानित करेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन।
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद मीत ब्रोस। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। हे गाइस, इट्स ए कैश, यू आर वॉचिंग गोरखपुर सिटी वन नंबर वन चैनल। हाय, मेरा नाम है तुषार जोशी, सिटी वन चैनल के रीलॉन्च पे ऑल द ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास में हुई मारपीट के विरोध में वहीं के हॉस्टल के छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने आए छात्रों का कहना है कि बीती रात करीब 7 बजे कुछ छात्र नेता ने उनके साथ मारपीट की, जिससे वह काफ़ी सहमे हुए हैं। इसी संबंध में वह ज्ञापन कुलपति को सौंपने आए हैं। छात्रों को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। हम छात्रों का पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं। छात्रों का पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रावासी अतुल के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। 10 दिनों तक गणेश अपने भक्त जनों की नियादें पूरी करने के बाद अब अपने पिता शंकर के शिव के धाम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। महानगर के अलग अलग मोहल्लों में गणेश की भव्य प्रतिमाओं की 10 दिनों तक बकायदा पूजा की गई और उसके बाद आखिरकार वह घड़ी आ गई जिसमें गणेश को अपने घर जाना था, यानी कि पिता शंकर के शिवधाम कैलाश पर्वत पर। गणेश की इस विदाई में भी भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। बकायदा सिद्धि विनायक की प्रतिमा की आरती की गई और उसके बाद उन्हें विसर्जित करने के लिए श्रद्धालु बढ़ चले बर्ड घाट की ओर, जहां पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होना तय था। लगातार 10 दिनों तक गणपति बप्पा की गूंज अब अचानक कहीं खो सी गई, लेकिन फिर भी विसर्जन के दौरान श्रद्धालु का अंबार विघ्नहर्ता के प्रतिमाओं पर लगा रहा। आगामी 26 सितंबर को मारवाड़ी युवा मंच की ओर से कैंसर जागरूकता अभियान एवं निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन राजस्थान सेवा समिति की ओर से गोकुल अतिथि भवन में किया जाएगा। इस बात की जानकारी मारवाड़ी युवा मंच के शाखा अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी और उन्होंने इस संबंध में आगे बताते हुए कहा कि यह जाँच पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। खोजो कैंसर अभियान के तहत एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ये निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें गरीब और असहाय लोग, जो लोग कैंसर की जांच नहीं करवा सकते हैं, वो लोग आएंगे, अपनी जो है कैंसर की जांच करवाएंगे। अब तक कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन
अब तक 25 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। हम लोगों ने कल शाम से रजिस्ट्रेशन लाइन चालू की है और जो कि 26 तारीख की सुबह तक रजिस्ट्रेशन आदमी करवा सकता है। पंकज अग्रवाल, मारवाड़ी युवा मंच अध्यक्ष। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।